प्रणाम मित्रों, ओशो का पूना आश्रम ओशो के सन्यासियों एवं प्रेमियों के साथ साथ विश्व भर के अनेक लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। लेकिन जैसा ये आश्रम आज है ऐसा हमेशा नहीं था। यह शुरू शुरू में कुछ और था और आज कुछ और हुआ है। इसके भीतर बहुत सारे परिवर्तन होते रहे हैं, फिर इसके रूप स्वरूप में हो या फिर यहाँ के कार्यक्रम एवं गतिविधियों को लेकर। एक समय वो था जब ओशो सदैव वहां पर थे तो वहां की ऊर्जा और सौंदर्य कुछ और रूप में थी और आज कुछ और रूप में है। ये आश्रम समय दर समय धीरे धीरे कैसे और कितना बदला है इसको हम तीन भागों में बांटकर जान सकते हैं या समझ सकते हैं। एक पूना वन, दूसरा पूना टू और तीसरा पूना थ्री। जी हाँ, पूना वन यानी जब ओशो स्वयं सदैव शरीर में जब थे वहां रहे और जब इस आश्रम का निर्माण हुआ या यूं कहे बनना शुरू हुआ, प्रारंभ हुआ। पूना टू यानी जब ओशो भारत से अमेरिका चले गए और वहां पे अमेरिका से जब वापस लौटे इस आश्रम में, फिर जो तब्दीलियां हुई, जो परिवर्तन हुए, फिर जो कुछ भी यहाँ पर गतिविधियां बदली उसको हम पूना टू कह सकते हैं। और फिर आज जब ओशो देह में नहीं है, उस देह त्याग के बाद आज जो इस आश्रम की स्थिति है, परिवर्तन है, रूपांतरण है, जो भी हम देखें वो क्या और कितना हुआ है। तो इस आश्रम का शुरू से लेके आज तक क्या और कैसे परिवर्तन हुआ है उसको विस्तार पूर्वक जानते हैं। स्वामी जी, ओशो जगत में ओशो सन्यासियों के लिए ओशो का पूना आश्रम बहुत महत्व रखता है, लेकिन सब लोग ये जानना चाहते हैं कि जो पूना आश्रम था ये कैसे बना, कैसे इसकी शुरुआत हुई और कैसे इसने धीरे धीरे अपना रूप या शक्ल इख्तियार की। जबलपुर से ओशो बम्बई आए, उस समय बम्बई कहते थे, तो वो एक तरह से तैयारी थी अंतर्राष्ट्रीय जगत को तक पहुंचने की, क्योंकि ओशो ने ये ठीक से समझ लिया था कि आपके हिमालय बैठ जाने से लोग आप तक नहीं पहुंचते। और किसी बुद्ध पुरुष को जब अपना संदेश पूरी दुनिया तक बांटना होता है तो उनको पहाड़ों पर नहीं बैठना होता, उनको महानगर में आना होता है। और वो महानगर में आ गए, पर महानगर में उनको सुनने वाला एक प्रबुद्ध वर्ग मिला और बहुत अच्छी घटना घटी। पर महानगर में आश्रम बनाना मुश्किल था, जो व्यवहारिक तल पर संघ के तल पर काम करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो खुद ही एक अपार्टमेंट में रहते थे उस समय। मेरा संन्यास ही उसी अपार्टमेंट में हुआ था, वुडलैंड अपार्टमेंट, जिसमें सिर्फ 10 लोग रह सकते हैं। तो उनको प्रेम करने वालों की संख्या निरंतर बढ़ने लगी और भारतीयों की ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह होने लगा। तो जैसे 1970 में ओशो बम्बई आए तो 1974 आते आते तक ऐसी स्थिति हो गई कि अब जो इतनी सन्यास दीक्षा भी हो गई, कुल्लू मनाली में सन्यास भी हो गया था और माउंट आबू कैंप्स भी हो रहे थे, तो वहां भी लोग सन्यासी हो रहे थे। अब वो सन्यासी उनके साथ साधना करनी है, ना कि उनको सिर्फ प्रवचन देने हैं। प्रवचन देने के लिए पाटकर हाल, षणमुखानंद हाल, क्रॉस मैदान, ये सारा कुछ हो रहा था। पर वो सिर्फ जो शिविर होते थे तो 8-10 दिन के होते थे या 3 दिन के होते थे, तो उससे तृप्ति नहीं होती। साधक को तो सदगुरु का सत्संग चाहिए, सानिध्य चाहिए, तब निरंतर चाहिए, जहाँ वो समर्पित हो के उनके कार्य में संलग्न भी हो। तो ये नेचुरल नीड थी, अचानक स्वाभाविक स्थिति बन गई कि अब कोई ऐसी जगह चाहिए जहाँ हम अंतर्राष्ट्रीय भी हो और बॉम्बे से दूर भी नहीं हो, जहाँ अंतर्राष्ट्रीय लोग आ सके। बॉम्बे में रहते हुए काफी अंतर्राष्ट्रीय लोग आ गए थे और नव संन्यास आंदोलन के पदाधिकारी भी बन गए थे, जैसे
अमेरिका या विश्व स्तर पर कौन प्रधान है, ये सब घोषणाएं हो चुकी थी। भारत के तल पर माँ आनंद मधु अध्यक्ष हैं, ये सब घोषणा हो चुकी थी, और माँ लक्ष्मी सचिव नियुक्त हो चुकी थी, ये सारा कुछ हो चुका था। लेकिन अब स्थान की कमी महसूस हो रही थी। इतने में उन दिनों ग्रीस से, यूनान से मुक्ता का आना हुआ, और वो संपन्न महिला थी। उसको भी रियलाइज हुआ कि इस फ्लैट में, इस अपार्टमेंट में काम नहीं हो सकता, बड़ा जगह चाहिए। हाँ, बड़ी जगह चाहिए। तो एक सामूहिक जो अंतर संबंध होता है, कई चेतनाओं को चीजें एक साथ पता लगती है कि अब हमारी आवश्यकता सिर्फ कैंप में जाने के नहीं है, आश्रम में सदगुरु के सानिध्य में रहने की आवश्यकता है। तो खोज शुरू हुई, और पूना का जो सबसे ज्यादा प्राकृतिक स्थान है उस समय था, जहाँ बड़े बड़े पेड़ और एक तरह से एकांत जैसा, कि जैसे तुम आप अरण्यवास में आ गए, जैसे गौतम बुद्ध कहते हैं साधुओ भिक्षुओ अरण्यवास करो, एकांत में रमो। और उसके लिए मैं एक उदाहरण देता हूँ कि वो अगर हम रेलवे स्टेशन से कहते कि रिक्शा वाले को, किसी को, कि हमें कोरेगांव पार्क ले चलो, जर्नी तो बहुत ज्यादा नहीं है रेलवे स्टेशन से, वो कहता आपको रिटर्न फेयर भी देना पड़ेगा क्योंकि उधर कोई जाता नहीं, जाता नहीं है। तो मैं तो रिटर्न फेयर उन दिनों जैसे अगर 1.5 रुपया लगता था तो 3 रुपए दूंगा भाई। ठीक, उस समय की बात है, मैं 74 की बात कर रहा हूँ। तो 21 मार्च 74 तक, अब ये कोई एक तरह से रहस्यमय बात है कि चीजें होती उनके विशेष दिवस के आसपास ही होती हैं। अच्छा, अपने आप ही कुदरत, अपने आप ही होती हैं। 21 मार्च आने को थी और 21 मार्च तक डील हो गया पूना में, और उस डील के चलते 21 मार्च को ओशो ने वहां प्रवेश भी किया, बॉम्बे छोड़ा, वहां उत्सव हुआ, और पूना पहुंचे, वहां उत्सव हुआ। आप उस समय का एक वीडियो देख सकते हैं, राइजिंग मून या कुछ। अच्छा। जिसमें वो सुबह उनका वहाँ कीर्तन हुआ है कि, और फिर वो अपनी कारें सजा के, जैसे दूल्हा की कार सजी होती है फूलों से, ऐसे निकली है। फिर वहाँ आगे अगर आप जहाँ पहुँचते हैं तो उनको जैसे तिलक लगाया गया है, हाँ, और साधनामा कीर्तन कर रही है उनके स्वागत में, वो थाली लेके खड़े हैं, जो कि भारतीय ढंग है स्वागत का, तो परंपरा है। लेकिन यहाँ तो भाव ही, देवता उतर के आए, अवतरण हुआ है, जैसे कुछ उनके शहर में आना हुआ है, तो पूरे शहर के जो समझिए के ओशो की प्रबुद्ध चेतना से जुड़े हुए लोग थे, जो जिनके प्राणों में ओशो प्रवेश कर चुके थे, उन्होंने स्वागत किया और वहां काम शुरू हुआ। पर वहां ना कोई हाल है, ना कोई तैयारी है, एक ही बंगला है, तो उसके आगे वाला बंगला भी बहुत शीघ्र ले लिया गया, वो भी खाली पड़ा था। तो ये जो पहला बंगला था, ये लाउसू हाउस, तो कैसे लिया, किसने ढूंढा, ये थोड़ा बताएं कैसे। ये माँ लक्ष्मी और उनके भाई और कुछ और मित्रों ने इकट्ठी यात्रा की थी। आप अगर उस समय का वीडियो देखो, उस समय माँ लक्ष्मी के बड़े भाई काकू भाई, जिनका नाम था, वो भी साथ साथ घूम रहे हैं, वो शो कभी इशारों से बात कर रहे हैं, विवेक भी उस समय है, तो मुक्ता भी आसपास है, मुक्ता ने फाइनेंस किया है, माँ लक्ष्मी और उनके भाई ने उन जिसके ओनर से बात की होगी, तो ये सारा कुछ एक साथ घटना घटी। और वो जो उसका ओनर था वो भी कहीं दिखाई पड़ता है बीच में, जो महाराजा रहे होंगे पुराने जमाने के, वो भी थे उस समय। तो ये आप उस वीडियो में देख पाते हैं कि ये की प्लेयर्स हैं। ये वीडियो किस नाम से मिलते हैं, दर्शक देखना चाहेंगे? ये मेरे ख्याल वही राइजिंग मून के एक कोई हिस्सा है इसका, जब वो उनका कार निकलती है बॉम्बे से, पूना आती है, और उसके आसपास जब थोड़े कमरों में घूम रहे हैं ओशो, वो बता रहे हैं कि यहाँ ये होगा, उसमें वॉयस नहीं है, सिर्फ इशारे हैं कि ये ऐसा कर लो वैसा कर लो।
तो जो भी जमीन देखी जाती थी तो क्या ओशो को बताई जाती थी हम ये देख रहे हैं पसंद है कि नहीं, ऐसा कुछ? एक तरह से पहले चित्र तो दिखा दिए जाते थे और भूमिका में बता दिया जाता था कि वहाँ आसपास क्या है, और ओशो तो ओशो की क्या रिक्वायरमेंट है सन्यासी भी जानते हैं और उनको भरोसा भी है कि जैसा मैं चाहता हूँ वैसा होगा, तो वो इट वॉज परफेक्ट इन ए वे व्हेन ही अराइव्ड। शांत है पर लान है बार बड़ा, तो पहले तो लान में ही आप देख सकते हैं कि 200 लोग उनके चेयर के आसपास बैठे हैं, ऐसे चित्र भी हैं। हाँ जी, हाँ जी। और फिर क्योंकि जो स्थानीय लोग हैं इतने लोगों को पता नहीं चला कि आ गए हैं या कुछ है, तो उन्होंने छोटी सी जगह पर अपने प्रवचन शुरू भी कर दिए। जैसे मैंने उनकी पुस्तक शिव सूत्र का संपादन किया है तो शिव सूत्र वगैरह पर बोल चुके थे जब मैं पहुंचा हूँ। ऐसे बहुत कुछ प्रवचन हो गए थे, माई वे द वे ऑफ द व्हाइट क्लाउड इंग्लिश में है, ऐसे एक किताब और है दिया तले अंधेरा या सहज समाधि भली, ये प्रवचन होना शुरू हो गए थे पर गिने चुने लोगों के बीच जहाँ सिर्फ 25-30 लोग बैठ सकते हैं ऐसा। तो धीरे धीरे बढ़ता गया, धीरे धीरे बढ़ता। तो शुरुआत में क्या था, थोड़ा जिन लोगों ने नहीं देखा तस्वीरें नहीं आप उनको बताना चाहें, जैसे एक कमरा था ओपन राउंड था, कैसे कैसे वो आश्रम का शक्ल लेते गया? लाओस उनका कमरा तो जो ऊपर सीढ़ी जा रही है उसके आसपास ही, जो अभी भी वही था, अंत तक वही रहा, लौटने के बाद भी वही रहा, एक ही कमरा था। और बाकी जो जहाँ अभी समाधि है वो जगह खाली थी तो उसका भी उपयोग किया गया, लेकिन बना वो कुछ साल 6 महीने के बाद। तो जो बुद्धा फील्ड है वो एरिया कैसे बना? बुद्धा फील्ड एक तरह से ऐसा कहें कि पहले कृष्णा हाउस लिया गया जो 17 कोरेगांव पार्क कहते हैं जिसे, उसके बाजू वाली जगह खाली पड़ी थी तो पता लगाया गया और उसको वहाँ परफेक्ट लगा कि इसमें बुद्धा हॉल बन सकता है। तो खाली जगह पर कुछ तोड़फोड़ करनी नहीं है, सिर्फ भूमि है, खाली पड़ी भूमि है, उसको खरीद लिया गया और उसे हॉल बना दिया गया। और उसमें अगर उसकी अपोजिट साइड राइट साइड देखें, राइट साइड ऑफ लाओस हाउस, तो जो जीसस हाउस है वो भी खरीद लिया गया। तो ये खरीद किससे? सुना है कि कुछ पहले फिर पैसा आना शुरू हुआ, थे जो गिफ्ट भी कर रहे थे ऐसा कुछ है? हाँ, लेकिन उस समय जो जब चीजें चल पड़ी तो प्रवचन भी शुरू हो और प्रवचन की फीस भी शुरू हो गई। 5 रुपए लेते थे हर प्रवेश के लिए, प्रवचन सुनने के लिए। डोनेशंस तो जो समर्थ है देने उन्होंने देना शुरू किया, लेकिन सामान्य व्यक्ति भी 5 रुपए देते ही था टिकट अंदर जाने के लिए। तो इस तरह से शुरुआत हो गई। वो उस समय प्रवचन चांगतुसु जो आज चांगतुसु है वहां शुरू हो गए थे। उसकी भी एक कहानी है चांगतुसु बनने की, वो क्योंकि उनके कमरे के साथ ही जुड़ा है चांगतुसु, थोड़ा सा चल के अंदर आना है जो जाज समाधि है। तो उस समय ओशो ने अपने ढंग से बनाने के लिए, क्योंकि बीच उनको कोई पिलर नहीं चाहिए था, पिलर कोई स्तंभ होते हैं तो एनर्जी रुकती है, तो सिर्फ परिधि पर स्तंभ बनाने थे। तो ये उन्होंने नक्शा दिया कि ऐसे बनाओ, तो सब कहने लगे कि ये चीज तो बन नहीं सकती क्योंकि बीच में सहारा चाहिए, ऐसे नहीं बनेगी। जब बनती जा रही थी पर उसने आग्रह किया कि नहीं ऐसे ही बनाना है, तो भी सन्यासी कहें ये तो उसके नियमों के अनुसार बैठता नहीं है, जो आर्किटेक्चर की मामला होता है कि बिना पिलर के इतना हाँ, खड़ा कैसे करें। हाँ, तो वो कोई नहीं कह रहा, सभी ना करते रहे, बनाना शुरू किया तो भी ना करते रहे, जो भी अंदर नहीं ये छत टिकेगी नहीं, ये छत टिकेगी नहीं, ऐसा वो करें आके। तो हुआ भी ये कि ना कुछ दिनों बाद छत गिर गई। अच्छा। हाँ, तो फिर ओशो ने प्रवचन दिया उस गिरने के बाद कि छत इसलिए गिरी है
कि तुम अपनी नेगेटिविटी आके यहाँ हर रोज कुछ सन्यासी जो ध्यान कर रहे हैं यहाँ पर वो अगर आके एक बात निरंतर बोलेंगे कि ये टिकने वाली नहीं है तो निश्चित ही गिरेगी। अब तुम ऐसा कुछ मत बोलना, मैं फिर बनवाता हूँ। अच्छा, देखना टिकेगी। और आज तक टिकी है? हाँ, आज तक टिकी है। वाह। तो ये जो बात है कि उन्होंने इसमें एक परिस्थिति पैदा करके एक पाठ सिखा दिया कि तुम जहां भी रहो तुम अपनी नकारात्मकता से सावधान रहो, क्योंकि ध्यानी व्यक्ति की नकार में भी शक्ति होती है। जिस तरफ ऊर्जा डालोगे वो ऊर्जा उसका प्रभाव होगा। तो अब तुम सकारात्मक रहो, देखो क्या होता है। तो ये समर्पण का सूत्र था, जो मैंने कह दिया है उसे करो बिना उसके संदेह के। संदेह लाओगे तो तुम्हारी भी ऊर्जा है, तुम्हें ही यहाँ रहना है। हाँ। एक चीज, और जैसे हम आजकल इतनी हरियाली देखते हैं, पेड़ है, वो संगमर के फर्श बने हुए हैं, तो शुरुआत में क्या था ये पेड़ इतने लगाए गए? इतने नहीं, वो लगाए गए, बहुत लगाए गए, और इतने नहीं थे जितने आज हैं। अपना जो एरिया बना, स्विमिंग एरिया जो वाशो, ये सब कुछ ही पहले था? नहीं, वाशो तो बाद की बात है, बहुत बाद की बात है। उसमें तो वो तो पुना टू की बात है। तो पुना वन में और क्या क्या था? पुना वन में ये चार ब्लॉक थे। लाइब्रेरी नहीं थी तब? लाइब्रेरी थी, लेकिन जो चार बंगलों से मिलके आश्रम बना हुआ था, जहाँ एक बुद्धा ग्रोह है आज, एक वो उसके सामने जहाँ लाओसु से पहले जो आता है वो है कृष्णा हाउस, वो एडमिनिस्ट्रेशन का हाउस था, और लाओसु के पैरेलल लेफ्ट साइड पर वो जीसस हाउस था। ये 6 एकड़ बनता था। तो शुरू के पूना वन में 6 एकड़ में ये चीज। हाँ, और ओशो ने उसके बारे में बोला भी है एक प्रवचन में कि 6 एकड़ जगह पर 700 लोग रहते हैं, और कितना प्रेम है, आश्चर्य व्यक्त किया है। अगर उस हिसाब से आज हम देखें उससे 5 गुना ज्यादा बड़ी जगह है और उतने लोग नहीं है। राइट, तो अंदर रहने की बात कर रहा हूँ मैं। ओशो तो किसी को भी अंदर जगह दे देते थे कि चलो एक रूम में 4 व्यक्ति रह लो, क्योंकि सभी का भाव था कि हम क्यों बाहर रहे हैं, जब यहाँ यही वर्क मेडिटेशन करनी है, यहाँ कार्य करना है, तो सब अकोमोडेट हो जाते थे। उस समय विनोद खन्ना के पास भी जो रूम था वो इतना छोटा सा था, जैसे ये जगह जहाँ हम बैठे हैं इससे चौथाई। ओ बाप रे, मतलब खुद बस उसमें इतने नहीं, वो सीधा भी नहीं लेट पाते थे, उनको एंगल बना के लेटना पड़ता था। अच्छा। ताकि वो उनकी टांगे इतने लंबे हैं कि वो एकदम ऐसे चौकोर स्थिति में नहीं, बीच में से एंगल बना के। और उस कमरे में फिर बाद में मैं भी रहा हूँ, तो मेरे लिए तो ठीक था, वो छोटा सा था पर ठीक था। वहां मैंने एक छोटी सी टेबल भी लगा दी जहां मैं बैठ कर संपादन करूँ साइड में, इतनी सी जो बस मैं बैठ पाऊं। तो ऐसी ऐसी स्थिति में हम रहते थे और इतने खुश थे कि अंदर रहने को मिल रहा है। तो ये तो हो गया ऊपरी ढांचा। हाँ, ये था। गतिविधियों के तौर पर पूना वन में क्या क्या होता था दैनिक रूप से गतिविधियां? देखो ऐसा है कि 76-77 तक तो काफी हमें आर्थिक परेशानियां भी थी। आर्थिक परेशानियां थी कि 5 रुपए शुल्क था सिर्फ प्रवेश का, तो इतना उससे कोई बहुत पैसा आता नहीं है, काम बहुत करने हैं, जगहें बहुत बनानी हैं, वो सब होता था। तो ओशो ने जब उनके पास थेरेपिस्ट आए, दुनिया भर से टॉप थेरेपिस्ट आए, उन्होंने उनको अपनी थेरेपी, उनकी थेरेपी के साथ ओशो की अपनी ध्यान विधियां जोड़ के, जो ओशो तो बहुत ध्यान विधियों पर बोल चुके थे उस समय तक, विज्ञान भैरव तंत्र की 112 विधियों पर भी बोल चुके थे, पतंजलि योग पर भी बोल चुके थे, सब कुछ बोल चुके थे, गोरखनाथ पर भी बोल चुके थे, यू नेम इट, इट इज ऑल देयर। तो उन बहुत सारी विधियों को जो विश्लेषण और थेरेपी और साइकोथेरेपी साइको एनालिसिस से जोड़ सकते हैं जिन चीज़ों को, और उसको साइंटिफिक प्रेजेंटेशन दे सकते हैं,
तो वेस्टर्न मित्रों को, सन्यासियों को इस काम में लगाया कि उस समय एनकाउंटर थेरेपी, उस तरह के अलग अलग नाम थे, एनलाइटनमेंट इंटेंसिव, इस तरह के नाम थे। तो बहुत सारे प्रयोग शुरू हुए। लीला ग्रुप था एक, वो भी वेस्टर्न थेरेपी का ही ग्रुप था। ऐसे रीबैलेंसिंग और बहुत सारी विधियां उन्होंने उस समय इंट्रोड्यूस की और वो चल निकला मामला। और ओशो स्वयं हर साधक को जो वेस्ट से आते थे उनको रिकमेंड करते थे कि वे क्या करें। जैसे हम आजकल रिकमेंड करते हैं भारत में भी कि नो माइंड कर लो, बॉर्न अगेन कर लो, मिस्टिक रोज कर लो, उस समय ओशो स्वयं रिकमेंड करते थे जो वेस्ट से आए हुए लोग होते थे। और वेस्ट के व्यक्ति को ये अच्छा लगता था कि जब तक उसके मन का कूड़ा कबाड़ साफ नहीं होगा, डायनेमिक तो उसके लिए थी ही, लेकिन और इंटेंसिटी से करने के लिए वो कुछ समय के लिए आए हैं, सारी उम्र के लिए नहीं आए उस समय, 2 महीने के लिए, 4 महीने के लिए। तो उनको तरह तरह के ग्रुप से गुजारते थे और उससे काफी पैसा आया। इतना पैसा आया कि हमारा जो आर्थिक परेशानियां थी एक तरह से, एक बार तो ऐसा हुआ कि हम जो आश्रम के भीतर रहते थे उनको 100 रुपए महीना अतिरिक्त पॉकेट मनी मिलती थी खाना खाने के, खाना पीना रहने के अलावा। जैसे आपको टूथपेस्ट खरीदना है या ब्रश खरीदना है, कुछ करना है, तो उसको 100 को भी 50 रुपए कर दिया गया क्योंकि इतनी परेशानी थी। इतनी तो फिर ओशो ने ये शुरू किया, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता, ओशो तो पहले सिर्फ देखना चाहते हैं कि मेरे शिष्य हर परिस्थिति में रह पाते हैं कि नहीं, समर्पण कितना है। वो जितना समर्पण गहरा होगा उतना वो पात्रता बढ़ती जाएगी। तो वो दौर था समर्पण का। तो समर्पण के दौर में जो टिके रह गए वो उनसे जुड़े रह गए। तो एक आम साधक का या जो बाहर से आता था उसकी दिनचर्या क्या होती थी? जैसे सुबह कोई ध्यान और रात में सोने से पहले थोड़ा स्टेप में बता दें, जैसे दिन भर क्या आश्रम में और क्या होता रहता था? आश्रम तो सवेरे 6 बजे सक्रिय ध्यान शुरू हो जाता था और वो एक तरह से रिकमेंडेड था, विशेषकर उनके लिए जो शुरू शुरू में आए हैं। हम तो उसके पहले भी 71 से लेकर 74 तक इधर उधर सक्रिय ध्यान कर चुके थे। तो उनके लिए वर्क वाज मोर मेडिटेशन देन अटेंडिंग ऑल द मेडिटेशन, रिस्पांसिबिलिटी वर्क मेडिटेशन। हाँ, तो क्योंकि और साथ में आपको उनका जो प्रवचन सुनना तो सबसे बड़ा ध्यान है। आप 1.5-2 घंटे में शाम को बैठेंगे तो 4-5 बजे आप एक तरह से अपने वर्क मेडिटेशन से फ्री हो गए, आपने चाय पी और 6-7 बजे आपको तैयार होके दर्शन के लिए आना है। उन दिनों तो बहुत कुछ चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई, एनर्जी दर्शन भी इंट्रोड्यूस हुआ। धीरे धीरे जैसे मेच्योरिटी बढ़ती गई तो ओशो गहराई बढ़ाते गए चीज़ों में। स्टार्ट तो ऐसे ही हुआ कि जैसे ये ध्यान कर लो, कुंडलिनी ध्यान कर लो, लेकिन नटराज ध्यान कर लो, विपसना कर लो। पर यह भी था कि हम उस दौरान भी महीने में 10 दिन शिविर रखते थे बाहर के लोगों के लिए। तो उसके साथ कोई ना कोई प्रवचन माला जुड़ जाती थी, जैसे कबीर पर बोल रहे हैं या मीरा पर बोल रहे हैं, तो उस समय की प्रवचन माला भी 10 दिन के लिए होती थी, 11 से 20 तारीख को या 1 से 10 तारीख को, ऐसा। तो रात में ये सब होके फिनिश होता था। हाँ। तो इसमें कोई माली भी होगा, कोई गार्ड भी होगा, कोई बर्तन धोने वाला भी होगा जो सन्यासी मित्रों के, तो वो अपने आप हम जिम्मेदारी ले लेते थे या ओशो डिजाइन करते थे कि तुमको ये कार्य करना? नहीं, मैं ये बताता हूँ कि उन्होंने कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए। तो और उस वर्क की क्या नीड है, क्या आवश्यकता है, उसको देखना है। जैसे मान लो कि उनकी ये किताबें जो उन्होंने प्रवचन दी हैं जल्दी छप के आनी चाहिए, तो कितने लोग चाहिए उसके लिए वो देखते थे। तो हमारा धीरे धीरे हर डिपार्टमेंट एक्सपेंड होता गया। जैसे शुरुआत में सिर्फ योग चिन्मय हैं, आनंद मैत्रे हैं, वो संपादन कर रहे हैं किताबों का, हिंदी किताबों का। मैं तो हिंदी की बात ही ज़्यादा कर सकता हूँ क्योंकि मैं उसमें था।
फिर मैं आया हूं तो मुझे भी किताब दे दी गई है। तो जरूरत तो थी, क्योंकि और जरूरत ये भी थी कि अब न्यूज़लेटर निकाला जाए, खबर जाए देश में, तो वो भी मुझे पकड़ा दिया गया। तो इस तरह से डिपार्टमेंट खड़ा हो गया। ऐसे ही अगर कितना गार्डन है उसके लिए कितने माली चाहिए, तो रिक्वायरमेंट तो हमेशा होती थी, और जब व्यक्ति आता था तो उससे पता लग जाता था ये व्यक्ति किस उपयोग में सहयोगी होगा। जैसे कि किसी को बैकग्राउंड क्या है उसकी, नहीं है तो जो उस अगर वो सीखने को तत्पर है तो वो कर पाएगा। जैसे मुक्ता जो जिसने 33 नंबर बंगला, पहला बंगला खरीद के दिया, वो कोऑर्डिनेटर थी गार्डनिंग की। तो एक एक पुराने समय का जो माली उस गार्डन में काम करता था, जिसके पेड़ पौधों से परिचय था वहां पर, उसको भी रख लिया गया। वो सन्यासी नहीं था, उसको सिर्फ हम माली कहते थे। नाम क्या था ये पता नहीं है, मुक्ता भी उसको माली ही बुलाती थी। तो और क्या कुछ था जो फर्स्ट इसे ओशो पूना वन कहते, और क्या था जो उस वक्त था पूना वन में? क्योंकि जगह तो सीमित थी, पर धीरे धीरे सघनता हर चीज में आती गई, बढ़ती गई। और जैसे ओशो स्वयं कहते हैं कि 6 एकड़ में से 700 लोग अंदर रहते हैं, उससे ज्यादा लोग तो 3 गुना 4 गुना बाहर से आके उनको प्रवचन सुनने आते थे। तो जब पूना वन बन गया या बन रहा था और लोग आने जाने लगे, बाहर मीडिया, लोग, आम जनता किस ढंग से बोल रही थी तब? क्या क्योंकि ओशो तो तभी विवादित थे, तो क्या हो रहा था कि क्या बन रहा है और क्या कितनी एक्सेप्टेंस थी? और विवादित थे, और ये विवाद ओशो ने बड़े प्लेफुली लिया हमेशा, क्योंकि विवाद से काम भी हो रहा था उनका, कि कोई लोग अटेंशन तो दे रहे हैं ना। पड़ोसी पसंद नहीं करते कि यहाँ डायनेमिक हो रही है, आवाज़ आ रही है, या इसलिए वो एक भूमिका बनी किसी बड़े कम्यून को क्रिएट करने की। वो इंटेंसिटी बैकग्राउंड के कारण ही हो पाया वो सारा कुछ। तो पूना एक तरह से उसका माध्यम बना, पूना का, पूना वन का फेज जो है, फेज वन जो है पूना वन का समय, वो रजनीशपुरम के लिए एक तरह से भूमिका फाउंडेशन बना, फाउंडेशन बना। इस पूना वन में और कौन कौन सी दिक्कतें, चुनौतियां, संघर्ष पूना वन को करना भी पड़ा? पूना वन की बात करेंगे तो किस टाइप के संघर्ष, किस टाइप के स्लोगन, किस टाइप की अखबार में चर्चा, आम जनता या फिर पथराव या पुलिस, क्या कुछ ओशो के कम्यून वन को सहना पड़ रहा था? एक तो उस समय बहुत राजनीतिक तल पर भी बहुत बदलाव हो रही थी। जैसे इंदिरा गांधी अपदस्थ हुई, मुरारजी भाई आए, और मुरारजी भाई एकदम खिलाफ थे ओशो के, क्योंकि पहले भी किसी जगह पर विवाद उनके साथ हो चुका था। और दूसरा, मुरारजी भाई की भतीजी ओशो की सन्यासी ने, तो उनको मुरारजी भाई को ये बात कतई पसंद नहीं थी, मानंद मधु। तो एक तरह से, और ओशो ने हमेशा खुल के बात की, और उनका पता था कि ये गांधीवाद की आलोचना करते हैं, और सरकारें गांधीवाद पे टिकती थी सारी की सारी। जब इमरजेंसी लगी, इंदिरा का शासन था उस समय, हमें ये दिक्कत आई कि हमें जो हम अपनी पत्रिका में मैटर छापते थे, वो पहले हमें कलेक्टर के ऑफिस में जाके उसको अप्रूवल लेना है। तो टाइप करवाया, डमी बनी, लेआउट बना, अब उसको सामने रखना है, वो पढ़ेगा और कहेगा कल आप आके ले जाइए कि ओके है कि नहीं ओके, उसकी सोच लगेगी। तो ये बड़ी दिक्कत थी। एक बार मैंने उसमें गांधी की आलोचना थी एक प्रवचन में, अब इंदिरा गांधी की नहीं थी, महात्मा गांधी की आलोचना थी किसी ढंग से, तो भी उसने इनकार कर दिया कि आप ये नहीं छाप सकते। भाई हमने कहा इमरजेंसी तो किसी और कारण से लगी हुई है, ना कि विचारों पर आपने कोई उसको रुकावट डालनी। कहते नहीं, हमें तो सरकार से डर है, हमें पता नहीं किस कारण से हटा दें कि आपने जॉब ठीक नहीं किया। तो मैंने मैसेज भेजा ओशो को, ये कहते हैं कि ये तो काटना पड़ेगा बीच में से। तो फिर मैंने एक उपाय किया उसका, कि मैं ये प्रवचन बदल देते हैं, काटेंगे नहीं हम, दूसरा प्रवचन लगा देते हैं, कि एक प्रवचन वाला 10 प्रवचन होते हैं, तो कोई और चुन लेता हूं मैं।
तो फिर मैंने उसको समझा दिया कि हम ओशो की कोई बात काटते नहीं है, तुम इस बार नहीं छापने दोगे, हम अगले दो चार महीने के बाद फिर छापेंगे, लेकिन छपेगा तो जो उनका जैसा बोला है बिना कांट छांट के छपेगा। तो बिना कांट छांट के जो प्रवचन हो सकता छप सकता था उस समय वो मैंने दिया, वो छपा। तो इस तरह की रुकावटें आती थी। और ओशो तो फिर जिस दिन एमरजेंसी हटी तो ओशो ने कहा एक दुख स्वप्न का अंत हुआ। तो एक तरह से उन्होंने भी इस बात को, जिसको विनोबा भावे अनुशासन पर्व कह रहे थे, तो ओशो ने उसको दुख स्वप्न कहा। तो ये दिक्कतें आती थी, और दिक्कतें ये आती थी कि इतने सारे, जब उस समय सरकार निरंकुश हो जाती है जब एमरजेंसी होती है, तो ये विदेशी इतने क्यों हैं, ये क्या है, वो क्या, सारी बातें इस उस समय जब हमने नए कम्यून को कच्छ में ले जाने की बात की, तो होम मिनिस्टर ने उस समय पाटिल थे, इंदिरा गांधी तो ओशो की फेवर में थी, पर वो प्रोसेस जो है कि जब तक होम मिनिस्ट्री से ओके नहीं होगा तब तक आप जगह नहीं खरीद सकते, उन्होंने कहा कि ये कच्छ में जो नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ एक तरह से इतने विदेशी होंगे वहां पर, वो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है। आज वो शिवराज पाटिल स्वयं स्वीकार करते हैं कि मेरे से गलती हुई थी, मैंने जो फाइल पर नोटिंग की वो नहीं करनी चाहिए थी मुझे, कुछ कभी ओशो के से तो ऐसी कोई राष्ट्रीय सुरक्षा में कोई ओशो के लोगों से कभी आई नहीं है, पर मैंने अपनी टेक्निकल बात लिख दी, वो नहीं हो पाया, इसलिए रजनीशपुरम की तरफ जाना पड़ा। तो कभी कोई पथराव, कोई गुंडागर्दी, या कभी पानी बंद कर देना, बिजली बंद कर देना, ऐसी कोई दिक्कत नहीं? नहीं, वो उनके ऐसा नहीं होता था, ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि इंदिरा ओशो के प्रेम में थी, और जिस दिन ओशो पर छुरा फेंका गया उसने खुद फोन किया कि मैं देखूंगी कि ये घटना दोबारा कभी ना हो। ऐसा नहीं होना चाहिए, उस तक बात पहुंची, फोन आ गया कि ये कोई हिंदू फंडामेंटलिस्ट जिसने विलास तोपे ने छुरा फेंका था, तो वो बात नहीं थी। लेकिन जो एक तरह से जो अलग विचारधाराओं वाले लोग होते हैं उनसे आते थे, कभी कभी ईरानी लोग आते थे, जो वहाँ ऐसे स्कूल कॉलेज हैं पूना में, अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी आते हैं, तो ईरानी लोग आके कभी कभी गेट के आसपास हुड़दंग करते थे, उनको लड़कियों को छेड़ना है, जो माला और संन्यास लेके रोड पे चल रही है, इस तरह की चीजें घटनाएं करती थी, तो तंग करना, हाँ तंग करना ये होता था। और कुछ ना कुछ, क्योंकि वो पब्लिक तो आपके कंट्रोल में नहीं होती है ना, कहीं भी जाओगे आप, 2 मील के दायरे में जाओगे, 4 मील के दायरे में जाओगे, वो सरकार की ओर से नहीं था। आशा है ओशो के पूना आश्रम से जुड़ी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।